Welcome to Al Hadi Foundation School. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। अल हादी फाउंडेशन में आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज हम सफ़ा नंबर 71 पे दी गई सरगर्मियों को हल करेंगे। पहली सरगर्मी जो हमें दी गई है वो है लफ्ज़ बनाइए। लफ्ज़ बनाइए, आपने तस्वीर को गौर से देखना है और मुनासब हरूफ का इस्तेमाल करते हुए लफ्ज़ को मुकम्मल करना है तस्वीर के मुताबिक। पहली सरगर्मी है जो हमारे पास, वो है लफ्ज़ बनाइए। पहली जो तस्वीर आपको दिखाई दे रही है, एक गोल गोल शक्ल का दायरा बनाया गया है। गावा गोल आम गोल, यहाँ पर जो हर्फ हम लगाएंगे लगाया गया है वो है लाम। अगली तस्वीर आपको मोर की दिखाई दे रही है, मेवा मो रे मोर, हर्फ रे को सर्कल करेंगे यानी इस पर दायरा बनाएंगे और यहाँ पर रे लिखेंगे दी गई खाली जगह में। अगली जो तस्वीर है हमारे पास वो एक कोट की है, क्याफा को के साथ हम हर्फ टे लगाएंगे तो लफ्ज़ कोट बनेगा, क्याफा कोटे कोट। अगली तस्वीर में आपको एक पेंसिल की नोक दिखाई दे रही है, नूनवा नो क्याफ नोक। अगली तस्वीर में आपको एक बच्चा दिखाई दे रहा है जिसको चोट लगी है, चेवा चो टे चोट, हर्फ टे दी गई खाली जगह में लिखेंगे तो ये हमारे पास लफ्ज़ चोट बन जाएगा। आखिरी तस्वीर जो हमारे पास है, इसमें दो बच्चे जोर लगा रहे हैं, जेवा जो रे जोर, यहाँ पर हम हर्फ रे लगाएंगे तो हमारा लफ्ज़ जोर मुकम्मल होगा। अगली सरगर्मी है जो हमारे पास वो है अलग कीजिए। अलग कीजिए, आपको यहाँ पर इस सरगर्मी में कुछ अल्फाज दिखाई दे रहे हैं, आपने इनके हरूफ को अलग करके दी गई खाली जगह में लिखना है। सबसे पहला लफ्ज़ है हमारे पास गावा गोल आम गोल, इसमें तीन हरूफ का इस्तेमाल किया गया, गाफ वाओ और लाम, जिनको अलग अलग करके दी गई खाली जगहों में लिख दिया गया। अगला जो लफ्ज़ है हमारे पास वो है मोर, इसमें भी तीन हरूफ का इस्तेमाल हुआ, मीम वाओ और रे। अगला लफ्ज़ है कोट, इसमें तीन हर्फ क्याफ वाओ और टे इस्तेमाल किए गए। अगला लफ्ज़ है जो हमारे पास नोक, नूनवा नोक क्याफ नोक, इसमें तीन लफ्ज़ तीन हर्फ नून वाओ और क्याफ का इस्तेमाल किया गया। अगला जो लफ्ज़ है हमारे पास वो है चेवा चोटे चोट, इसमें भी तीन हरूफ इस्तेमाल किए गए जो के हैं चे वाओ और टे, चे वाओ टे चोट। आखिरी जो लफ्ज़ है हमारे पास वो है ज़ोर, इसमें तीन हर्फ इस्तेमाल हुए, ज़े वाओ और रे ज़ोर। इस सरगर्मी के मुताबिक हमने हरूफ को अलग करके दी गई खाली जगहों में लिखने की मशक की। आपने अपनी किताब के सफ़ा नंबर 71 पे इन दोनों सरगर्मियों को इसी तरह हल करना है जैसे मैंने आपको भी बताया।